दो पल रुका खाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ हेलो दोस्तों मैं हूँ कृष्ण कुमार आप देख रहे हैं केट फार्मेसी आज हम बात करने वाले डी फार्म सेकेंड ईयर का मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी आज हम फार्माकोलॉजी के बारे में जो इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड उसके स्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे जो फार्माकोलॉजी में जो ड्रग क्लासिफिकेशन है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि वीडियो की लाइव अपडेट आप तक पहुंचते रहे तो चलते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी इंट्रोडक्शन जिसमें कि कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं पहले ठीक है तो चलते हैं फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है फिजियोलॉजी इट इज़ एन ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी एंड फंक्शंस ऑफ ऑल बॉडी सिस्टम ऑफ लिविंग बॉडी फिजियोलॉजी एक ऐसी फार्माकोलॉजी की ब्रांच है या साइंस है जिसमें जो बॉडी के ऑर्गन सिस्टम हैं उसके बारे में फिजियोलॉजी की स्टडी की जाती है फिजियोलॉजी की स्टडी की जाती है लिविंग बॉडी पर ठीक है फिर उसके बाद देख ले डिसऑर्डर डिसऑर्डर इट इज़ एन कंडीशन ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि नॉर्मल फिजियोलॉजी हमारी चेंज होके अब नॉर्मल हो जाती है जैसे कि एक हेल्दी पर्सन है वो डाइट सही से ले रहा है तो ठीक ठाक रहता है फिर यदि वो तालाब खा ले तो उसको स्टमक से गैसियस प्रॉब्लम होने लगती है एंड अदर अदर प्रॉब्लम होने लगती हैं तो उसे एक डिसऑर्डर होने हो जाते हैं ठीक है फिर उसके बाद बात करते हैं डिसीज़ इट इज़ एन कंडीशन काज बाई पैथोज़न्स यह एक ऐसी कंडीशन है जो कि फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन बैक्टीरिया के द्वारा हमारी बॉडी में इंटर कर जाने पर जो हमारे ऑर्गन को क्षति पहुंचती है वो बीमारी का रूप ले लेती हैं इसे हम डिसीज़ के नाम से जानते हैं ठीक है फिर बात कर लेते हैं ड्रग ड्रग क्या है वर्ड ड्रग इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ड्रोग्यो मीन्स ड्राई हर्ब जो ड्रग का वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जो कि ड्रॉग्यो जिसका मतलब होता है ड्राई हर्ब ठीक है सूखी दवाएं कह सकते हैं ड्रग की डिफ़िनेशन देख लेते हैं कॉमनली वाली ठीक है ड्रग इज इज ड्रग इज़ एन केमिकल सबस्टांसिस विच आर यूज टू ट्रीट क्योर प्रिवेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ ऑफ एनी डिसीज़ ठीक है ड्रग एक ऐसा केमिकल सबस्टांसिस है जिसका हम यूज़ करते हैं प्रिवेंट करने के लिए डायग्नोसिस करने के लिए डिसीज़ को अब हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ ड्रग की डिफ़िनेशन क्या है ठीक है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ द ड्रग इट इज द ड्रग इज़ एंड सब्सटेंसेस और प्रोडक्ट दैट यूज़ टू मोडिफाई और एंड एक्सप्लोर द फिजियोलॉजिकल सिस्टम ड्रग एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं या प्रोडक्ट हैं जिसका यूज हम डिसीज़ को मोडिफाई चेंज करने या उसे एकदम ठीक करने के लिए करते हैं जो हमारी बॉडी में पैथोजेंस के द्वारा क्षति हुई है या हानि हुई है उसको ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है फिर बात करते हैं फार्मेसी की फार्मेसी इज़ एन आर्ट और साइंस प्रिपेयरिंग अ ड्रग ड्रग कॉम्बिनेशन इन इन सुटेबल डोजेस फॉर्म फॉर सेफ्टी फॉर इजी टू एडमिस्टर टू द पेशेंट फार्मेसी एक ऐसी आर्ट और साइंस है जिसकी जिसमें हम ड्रग को प्रिपेयर करते हैं कम्बे सूटेबल कम्बिनेशन में ठीक है सुटेबल कम्बिनेशन में जिससे कि पेशेंट को खाने में एडमिनिस्टर करने में आसानी हो सके फिर हम बात कर लेते हैं फार्माकोलॉजी की द वर्ड फार्माकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन एंड लोगस जो फार्माकोलॉजी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिस जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है फार्माकोन एंड लोगस फार्माकोन का मीस होता है ड्रग एंड लोगस का मीन्स होता है स्टडी फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विद द ड्रग एंड इट्स इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनिमल फार्माकोलॉजी एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसके में जिसमें हम ड्रग के इफेक्ट को लिविंग ऑर्गेनिज्म पर देखते हैं या एनिमल पर देखते हैं फार्माकोलॉजी हैव टू मेन ब्रांच है लाइक फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडानेमिक फार्माकोकाइनेटिक इट इज डिफाइंड एज वार्ट दॉडी डू द ड्रग हमारी बॉडी ड्रग के प्रति क्या वर्क कर रही है यही इसकी मेन डिफिनेशन है इसकी चार प्रोसेस होती हैं ए डी एम ई देर आर देर आर मैनी प्रोसेस इंक्लूड सच एज एडीएम ठीक है फिर उसके बाद बात कर लेते हैं ए डी एम ई का फुल फॉर्म क्या की कर रहे थे ए डी एम ई डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, फिर बात करते हैं फार्माकोडाइनमिक इट इज़ डिफाइंड एज व्हाट द ड्रग टू द बॉडी। हमारी ड्रग बॉडी के प्रति क्या वर्क कर रही है इसका मेन मतलब है ठीक है फिर उसके बाद बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ड्रग का क्लासिफिकेशन किस किस के बेसिस पे है सोर्स के बेसिस पे है ऑयल नेचर के बेसिस पे बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ ड्रग सोर्स के बेसिस पे हम ड्रग को देख लेते हैं प्लांट सोर्स ड्रग वे ड्रग जो कि प्लांट सोर्स से अपटेंड किए जाती हैं या प्लांट के पार्ट से ऑप्टेंड की जाती हैं ड्रग अपटेंड फ्रॉम द प्लांट और प्लांट पार्ट ऑफ प्लांट ठीक है जैसे कि मारफिन रिजर्फिन बेन ठीक इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं एम आर वी एनिमल सोर्स ड्रग अपटेंट फ्राम एनिमल सोर्स वह ड्रग जो कि एनिमल सोर्स से अपटैंड की जाती है जैसे कि इंसुलिन एंड हिपैरिन एंड थायरॉइड एक्स्ट्रैक्ट इसको भी हम ट्रिक से याद कर लेते हैं एच आई टी हिट हिट से इसको याद कर सकते हैं एच से हिपैरिन आई से इंसुलिन टी से थायरय ठीक है फिर उसके बाद बात करते हैं फिर बाद कर हैं उसके, हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मिनरल सोर्स की मिनरल ड्रग अपटेंड फ्रॉम मिनरल सोर्स ऐसी दवाएं जो कि मिनरल सोर्स से अपटेंड की जाती हैं जैसे कि लिक्विड पैराफिन मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैलिन ठीक है फिर उसके बाद बात कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वे ड्रग जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम से अपटेंड की जाती हैं जैसे कि पेनिसिलिन टेट्रासाइकिन ड्रग अपटेंड की फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल पेनिसिलिन टेट्रासाइकिल जो पेनिसिल पेनिसिलिन है वो कहाँ से अपटेंड की जाती है किस बैक्टीरिया के द्वारा अपटेंड की, की जाती है तो पेनिसिलिन इज आप फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम ठीक है फिर उसके बाद बात कर लेते हैं सिंथेटिक सिंथेटिक ऐसी ड्रग जो कि केमिकल मोडिफाइंग के द्वारा मोडिफिकेशन के द्वारा उसे अपटेंड किया जाए ड्रग अपेंट फ्रॉम द केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग जो नेचुरल ड्रग होती है उसको केमिकल मॉडिफिकेशन के द्वारा अपटेंड की जाती है जैसे कि एस्परिन एंड कार्टिकोस्टेरॉइड आस्परिन हमारी सर्द के सर दर्द की दवाई है एंड ब्लड थिनर है जैसे कि किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तब उसको दे दे तो तुरंत काम कर जाती है उसको रिलैक्स मिल जाता है एंड दर्द कम पड़ जाता है ठीक है एज पर सोर्स ऑफ नेचर यहाँ पर स्पेलिंग गलत है माफ़ करना ठीक है सोर्स ऑफ नेचर एल्कोलाइड 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 का मीन्स ये होता है छारी इन नेचर जैसे कि बेसिक होते हैं जैसे कि नमक होता है ये बेसिक होता है तो ये हल्का छारी होती हैं ठीक है ड्रग ऑबेंट फ्रॉम एल्कोलाइड एल्कोलाइड जैसे कि रिजरपिन एंड मॉर्फिन फिर उसके बाद बात कर लेते हैं ग्लाइकोसाइड वे ड्रग जो कि ग्लाइको ग्लूकोज मोइटी को कंटेन करती हैं उन्हें हम ग्लाइकोसाइडल ड्रग कहते हैं जैसे कि ग्लाइकोसाइड द ड्रग ऑब फ्रॉम ग्लाइकोसाइड मोइटी ऑफ ड्रग जो कि ग्लाइकोसाइड मोइटी की ड्रग होती हैं उन्हें हम ग्लाइकोसाइडल ड्रग कहते हैं जैसे कि डिजिट डिजिटलिस एंडजॉक्सेंट डिजिटाइलिस हमारी हार्ट कार्डियोटोनिक्स ड्रग हैं जो कि हमारे हार्ट को मजबूर कर मजबूत करती है हार्ट की जो मसल्स हैं उनको मजबूत करती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑयली इन नेचर जो ड्रग होती हैं ऑयली इन नेचर होती हैं जैसे कि फिक्स फिक्सड ऑयल वे ऑयल जो कि एयर के कांटेक्ट आने पर या टम्परेचर के कांटेक्ट आने पर वे इवापोरेट नहीं होते वो फिक्स्ड ऑयल होते हैं जैसे कि ऑलिव ऑयल एंड कैस्टर ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल भी फिक्स्ड ऑयल में होता है ठीक है फिर बात कर लेते हैं वोलाटाइल ऑयल वोला ऑयल में और फिक्स्ड ऑयल में ये अंतर है कि वोलाटाइल ऑयल जो है एयर के कांटेक्ट आने पर वो इवापोरेट होने लगता है और अपनी महक दूर तक फैला देता है जैसे कि क्लोव ऑयल एंड यूकेलेप्टस ऑयल ठीक है फिर अब बात कर लेते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी तो स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी में है, पहले हम पॉइंट देख लेंगे फिर उसके बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट है फार्माको सेकंड पॉइंट है फार्माकोडाइनमिक फिर फार्माकोथेरापिटिक क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कीमोथेरेपी टॉक्सिकोलॉजी फार्माकोविजिलेंस न्यूरो फार्माकोलॉजी कार्डियोवेस्कुलर फार्माकोलॉजी बिहेवियरल फार्माकोलॉजी ठीक है फिर उसके अब हम एक एक जितने पॉइंट बताए हैं सबको एक वन बाय वन डिस्कस करते चलेंगे हाँ तो ऊपर आपने देखा भी था कि फार्माकोकानेटिक क्या होता है फार्माकोनेटिक एक फार्माकोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें जिसमें बॉडी हमारी ड्रग के प्रति क्या वर्क कर रही है उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं जो जिस जो कि चार प्रोसेस में इंक्लूड है जैसे कि हम देख लेते हैं इट इज़ एन ब्रांच ऑफ़ फार्माकोलॉजी विच डील्स विद द व्हाट द बॉडी डस्ट टू द ड्रग इट इंक्लूड द मैनी प्रोसेस सच एच जैसे कि एब्जॉर्बशन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबोलिज्म एंड एक्सक्रीशन जो फार्माकोलॉजी है जो फार्माको कनेटिक है फार्माकोलॉजी की ब्रांच है जिसमें कि जिसकी डेफिनेशन है वाट द ड्रग डू बॉडी सॉरी पार्ट द बॉडी डस्ट टू द ड्रग फार्माको दो वर्ड से मिलकर बना है जो कि मीन्स होता है फार्मोन एंड काइनेटिक फार्माकोन का मीन्स होता है ड्रग एंड काइनेटिक मीन्स होता है मूवमेंट जो हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रही है उसके बारे में स्टडी करना एंड चार प्रोसेस में उन चारों प्रोसेस को जो डिटेल में स्टडी करना ही फार्माकोकाइनेटिक कहलाता है सेकेंड पॉइंट है फार्माको इट इज एन ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी व्हिच डील्स विद वाट द ड्रग डू दॉडी इट इनक्लूड बायो केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लिविंग सिस्टम एलॉन्ग विद द मेकेज ऑफ एक्शन जो फार्माको डायनमिक है वो फार्माकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कि ड्रग हमारी बॉडी के प्रति क्या वर्क कर रही है और ये फिजियोलॉजिकली एंडियो बायोकेमिकली ड्रग का इफेक्ट लिविंग सिस्टम पर क्या पड़ रहा है वो उसका मैकेनिज्म मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ इस इसमें स्टडी करते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इट इज़ एन ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी इन विच डील्स इन विच डील्स इन्वॉल्व द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग ऑन ह्यूमन इज़ दैट इफिशेंसी सेफ्टी ऑफ ड्रग इज स्टडी इन पेशेंट जो फार्मा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है या एक फार्माकोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम की जिसमें हम जो ड्रग है उसको हम ह्यूमन पर क्लिनिकल में क्लिनिकल में ह्यूमन पर इफेक्ट देते हैं उसका इफेक्ट देखते हैं उसके साइड इफेक्ट को देखते हैं जिससे कि जो ड्रग है वो उसका साइड इफेक्ट को कम से कम किया जा सके वो कितना काम करती है कितनी इफेक्टिव डोज है ये सब हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में देखते हैं ठीक है फिर उसके बाद बात करते हैं फार्माकोथेरापटिक देख पहले डिफिनेशन देख लेते हैं इट इज़ एन ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच डील्स विद द यूज़ ऑफ ड्रग फॉर क्योरिंग डिशीज एंड रिलीविंग देयर सिम्टम्स जो फार्माकोथेरापटिक हैं वो फार्माकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कि ड्रग का हम यूज करते हैं डिसीज़ को क्योर करने के लिए और उसके सिम्टम को कम करने के लिए यूज करते हैं जिसका इफ जो जैसे कि हम ड्रग किसी को किसी व्यक्ति को दिए फीवर जिसको फीवर है जैसे पैरासीटामोल दे दिए पाँच सौ एम जी एक अडल्ट, अडल्ट व्यक्ति को तो उसका फीवर जब कम पड़ जा रहा है तो यही थेरापिटिक इफेक्ट है जो कि फीवर टेम्परेचर को डाउन करता है ठीक है टेम्परेचर को डाउन कर रहा है यही थेरापिटिक इफेक्ट है फिर उसके बाद बात करते हैं कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी यह एक फार्म इट इज एन ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच डील्स विद द ड्रग कैपेबल फॉर डिस्ट्रॉइंग पॉजिटिव एजेंट ट्रस्ट सेल ठीक है कीमोथेरेपी एक फार्माकोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम दवाई का यूज़ कैपेबल उसकी क्षमता पर जो कि जो कैंसर होता है उसको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता पर हम देते हैं जो पॉजिटिव एजेंट या कोजिटिव सेल्स होती हैं जो कि अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं जिससे कि कैंसर होता है ठीक है उसको वो डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज की जाती हैं जैसे कीमोथेरेपी कहते हैं फिर उसके बाद बात कर लेते हैं टॉक्सिकोलॉजी इट इज़ एन ब्रांच ऑफ़ फार्माकोलॉजी दैट डील्स विद द इफेक्ट ऑफ वाज़न मैथड ऑफ फॉर डिटेक्शन मैथड फॉर डिटेक्शन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड साइंटिफिक साइंस ऑफ पॉइजन टॉक्सिकोलॉजी एक फार्माकोलॉजी की भी ही ब्रांच है जिसमें हम जो पॉइजन के इफ़ेक्ट को लिविंग ऑर्गेनिजम पर की पॉइजन क्या इफेक्ट कर रहा है उसके बारे में और उसके डिटेक्शन और उसकी जांच पड़ताल के बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं और उसमें ट्रीटमेंट क्या होगा उसके बारे में हम जानकारी पाते हैं फार टॉक्सिकोलॉजी में ठीक है फिर बात करते हैं फार्माको विजिलेंस इट इज एन ब्रांच नॉन एज ड्रग सेफ्टी इसे हम ड्रग सेफ्टी के भी नाम से जानते हैं ठीक है इट इज़ ए फार्माकोलॉजिकल साइंस रिलेटेड टू कलेक्शन डिटेक्शन असमेंट्स मोनिटरिंग प्रोवेंटिंग ऑफ एडीआर एसोसिएशन विद ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है फार्मा को विजिलेंस को हम ड्रग सेफ्टी के नाम से जानते हैं ठीक है यह एक फार्माकोलॉजिकल साइंस है जो कि रिलेट करती है कलेक्शन के डिटेक्शन असेसमेंट और मॉनिटरिंग ए डी आर ए डी आर को मॉनिटरिंग करने के लिए एंड और ड्रग से भी जुड़े हुए सिम्टम्स को देखते हैं फिर उसके बाद बात कर लेते हैं न्यूरो फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी इट इज़ एन ब्रांच ऑफ़ फार्माकोलॉजी विच डील्स विद द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन नर्वस सिस्टम इंक्लूड ब्रेन स्पाइनल कार्ड एंड न्यूरो फार्माकोलॉजी एक फार्माकोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम ड्रग का इफेक्ट हमारे ब्रेन पर नर्वस सिस्टम पर ब्रेन पर स्पाइनल कार्ड पर एंड न्यूरॉन्स पर क्या फ़र? पढ़ता है उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं न्यूरो फार्माकोलॉजी में फिर उसके बाद बात करते हैं कार्डियोवेस्कुलर कार्डियोवेस्कुलर फार्माकोलॉजी इट इज़ एन ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन हार्ट द वैस्कुलर सिस्टम दैट पार्टिसिपेट इन रेगुलेटिंग कार्डियो वेस्कुलर फंक्शंस कार्डियो वायस्कुलर फार्मोकोलॉजी एक ऐसी फार्मोकोलॉजी के ब्रांच है जिस में हम दवाओं का यूज़ हार्ट पर हार्ट से रिलेटेड आर्टरी पर वेंस पर और उस हार्ट को कार्डियो वेस्कुलर जो फंक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट जो करते हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में हम जानकारी इसमें लेते हैं कार्डियोवेस्कुलर फार्माकोलॉजी में फिर उसके बाद बात करते हैं बिहेवियोरल फार्माकोलॉजी इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी व्हिच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन ब्रेन बिहेवियोरल फार्माकोलॉजी में हम जो ड्रग का इफेक्ट है वो ब्रेन पर सीधे ब्रेन पर क्या पड़ता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि फार्माकोलॉजी क्या होती है फार्माकोलॉजी के अंतर्गत जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या क्या है उस पे, उसमें जो ड्रग का क्लासिफिकेशन है वो किस प्रकार है फिर उसके बाद जो स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी है वो देख लिया होगा आपने